पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी थमने का नाम नहीं ले रही। सरकारी तेल कंपनियों ने शनिवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया। शनिवार को डीजल की कीमत में 18 से 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पेट्रोल की भी कीमत 22 से 25 पैसे तक बढ़ी है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। नागपुर में भी पेट्रोल के दाम 92.13 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 81.3 रुपए हो चुके हैं। देश में इसी साल कोरोना जैसी महामारी आई, जिसके कारण देश के सभी शहरों में हजारों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गए। लॉकडाउन खुले हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं, ऐसे में लगातार बढ़ रही महंगाई और पेट्रोल और डीजल के दामों से नागरिकों को और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। डीजल के दाम बढ़ने के कारण उपयोग की वस्तुएं और खाने पीने के सामानों के रेट में भी बढ़ोतरी होगी, जिसका सीधा असर मध्यम और गरीब लोगों पर होगा, जिस कारण रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है।